इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप कार या बाइक चलाते वक्त यदि आपको ट्रैफिक पुलिस रोक देती है और आपके मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड है तो आपका चालान नहीं कटेगा, चाहे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या RC या इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट नहीं हो, फिर भी आपका चालान नहीं कटेगा। तो चलिए देखते रहिए इस वीडियो को, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, आगे दिए बेल आइकन को दबा दें और हर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस वीडियो में आपको उस ऐप के बारे में ज्यादा जानकारी दें, उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से मैंने इस ऐप को डाउनलोड कर रखा है, और इस ऐप के द्वारा मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाड़ी की RC वो सब सेव कर रखे हैं, और इनको मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह यूज कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ ऊपर दिखाया गया है, इस ऐप में इश्यूड डॉक्यूमेंट्स आर एट पार विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर IT एक्ट, यानी IT एक्ट के तहत इसके इश्यूड डॉक्यूमेंट में, यानी इस ऐप के इश्यूड डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ओरिजिनल की तरह माना जाएगा। चलिए अब फटाफट से आपको मैं मेरे सर्टिफिकेट जो मैंने इसमें डाउनलोड करके वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरा वैक्सीनेशन पास, कोविन पास जो मेरी वैक्सीनेटेड होने का प्रमाण है, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो इस ऐप में वेरीफाइड है, ये मेरा पैन कार्ड जो इस ऐप में वेरीफाइड है, ये मेरा व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो इस ऐप में वेरीफाइड है, और ये मेरा आधार कार्ड जो इस ऐप के द्वारा वेरीफाइड है। चलते इस ऐप की तरफ, कैसे इसको डाउनलोड करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें किस प्रकार से लोड करना है। चलिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ डाउनलोड करने के से कुछ नहीं होगा, उसके बाद भी आपको बहुत सी चीजें समझनी पड़ेगी, तो इसलिए डीजी लॉकर ऐप को सर्च करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखना, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। डीजी लॉकर के बारे में ज़्यादा जाने तो ये गवर्नमेंट ऐप है जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई ऐप है। चलिए इसे ओपन करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें इस ऐप में एक अकाउंट क्रिएट करना है, और इस अकाउंट में हम आधार कार्ड से लिंक कर देंगे इस अकाउंट को, जिससे हम बाकी सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सके। चलिए अकाउंट पर क्लिक करते हैं, क्रिएट अकाउंट। अब आधार कार्ड में जो चीजें हैं वही भरनी है आपको, मोबाइल नंबर भी जो आधार कार्ड से कनेक्टेड है वही डालने, लिंक जो है, और आधार नंबर भी आपको डालना है, उसके बाद इसको सबमिट करना है। मैं फटाफट से सभी इंफॉर्मेशन भर के सबमिट करता हूँ। चलिए आधार के अनुसार सब जानकारी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद आधार कार्ड के नंबर से आपके यहाँ OTP आएगी, आपके जिस नंबर से आपने लॉगिन करने की कोशिश की है वो पे नंबर डाल रहा हूँ। जब आप OTP एंटर कर चुके होंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपसे एंटर यूजर नेम पूछा जाएगा। यूजर नेम हम कोई भी डाल सकते हैं, जहमा मेहता यूजर नेम डाल दिया है मैंने, अब ओके करूंगा। यूजर नेम सक्सेसफुली क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया, जी हाँ, अब रेडी है हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को इश्यू करवाने के लिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आधार कार्ड को ही इश्यू करवाते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ दिया हुआ है इसमें आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि क्या आप आधार का कंसेंट देते हैं, यानी आप परमिशन दे रहे हैं। ओके, अब ये फिर से एक OTP मांगेगा। ये देखिए अब यहाँ इश्यूड डॉक्यूमेंट जो ये एरिया है आप देख सकते हैं नीचे की ओर होम है, उसके बाद इश्यूड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जिनको आप गवर्नमेंट में मानती है, इनको डिजिटल आधार के रूप में मानती है। चलिए आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड खुल चुका है, और ये नीचे ये एक लोगो बनाता है डिजी लॉकर वेरीफाइड, यानी ये सब जगह एक्सेप्टेड है। ऐसे ही यदि आप रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे रजिस्ट्रेशन RC व्हीकल की RC चाहिए आपको तो यहाँ पर क्लिक करें। बस ये जरूर होना चाहिए कि जिसके नाम से आधार है उसी के नाम पर वो RC होनी चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालें, उसके बाद यहाँ पर चेसिस नंबर डालें जो उसके RC के ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दें, आपको एक डिजिटल RC यहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे ही यदि ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए तो यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें, यहाँ पे कुछ नहीं, अपना आधार नेम जो है वो तो ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, DOB आ जाएगा, आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। लाइसेंस नंबर डाल के गेट डॉक्यूमेंट करेंगे, वो OTP मांगेगा और आधार से लिंक्ड उस ड्राइविंग लाइसेंस को आपके इस ऐप पर इश्यू कर देगा।
ऐसे ही बहुत सी चीजें। चलिए अब हम पैन कार्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ आ गए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पैन वेरिफिकेशन में हमें यहाँ पैन नंबर डालना है और पैन कार्ड पे क्या नाम है वो डालना है, तो फिर ये आपको पैन कार्ड बना के दे देगा और ये भी इसी डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। डिजी लॉकर ऐप पर हम कोविड वैक्सीनेशन पास यानी सर्टिफिकेट किस प्रकार से लोड कर सकते हैं जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर वैलिड है। चलिए सबसे पहले आपको हेल्थ वाले सेक्शन में यहाँ पर नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस पर क्लिक करना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर यहाँ कोविड वैक्सीन नंबर वन और इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट के लिए नंबर टू पर क्लिक करें। तो ये मैं पहले पर क्लिक किया है। यहाँ पर हम बेनिफिशियरी आईडी डालेंगे और मेरा गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बेनिफिशियरी आईडी डालने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नीचे लोड हो चुका है। ये ना, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के अलावा और भी बहुत से डॉक्यूमेंट आप इसमें सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। कुल मिला के ये सॉफ्टवेयर डिजिटल इंडिया के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, वो भी हायर सिक्योरिटी के साथ, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को लोड कर लेता है।